जय श्री कृष्ण आप सभी को। जैसे कि भादो महीना शुरू हो चुका है, भादो महीने का ये पहला शनिवार है, बहुत ही बड़ा शनिवार है, बहुत ही दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। भादो महीने के इस पहले शनिवार के दिन करें छोटे से उपाय, जिससे कि अगर आपके पास पैसा नहीं रुकता है, पैसा रुकने लगेगा, धन आगमन के रास्ते बंद हो चुके हैं तो वो भी शुरू हो जाएंगे। कुंडली में अगर आपका शनि उच्च का नहीं नीच का होके बैठा है, शनि प्रकोप चल रहा है, राहु केतु ने बहुत परेशान कर रखा है, 7:30 या ढैया चल रहे हैं, तो आज का ये उपाय आप सबके लिए है। तो करना क्या है आपने, जैसे कि शनिवार का दिन है तो सर्वप्रथम आप एक लोटे जल के अंदर कच्चा दूध और काला तिल और कुछ मीठा जरूर मिला लें और फिर जाके पीपल के वृक्ष में अवश्य चढ़ाएं। शनिवार का दिन है, ये उपाय सभी जानते हैं मगर करते नहीं, जरूर करिए। शनिवार के दिन जरूर से जरूर इस तरह से जल पीपल के वृक्ष में चढ़ाना चाहिए, इससे शनि देव भी प्रसन्न होते हैं, साथ में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन आप एक पीपल का पत्ता आज्ञा मान के पीपल वृक्ष से एक पत्ता तोड़ के ले आइए घर, इसे गंगा जल से साफ कर लीजिए। अब इस पीपल के पत्ते को आपने सिद्ध करना है। किस प्रकार सिद्ध करेंगे आप, वैसे पर्स में पीपल का पत्ता रखना बहुत अधिक शुभ माना जाता है, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके पर्स हमेशा पैसों से भरा रहता है, धन की जितनी भी परेशानी वो दूर रहती है। तो पीपल के पत्ते को गंगा जल से साफ कर लीजिए, हल्दी के अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और थोड़ा सा इत्र मिलाकर इसका एक पेस्ट बना लीजिए और इसकी सहायता से आप चाहे कोई डंडी तीली कुछ भी ले लीजिए, मोर पंख ले लीजिए, उसकी सहायता से आप इसके ऊपर श्वेम लिख दीजिए लिखने के बाद और एक छोटा सा स्वास्तिक बना दीजिए, ये माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पण कर दें और वहीं बैठ के आप 108 बार माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जो आपको आता है उसे जरूर से जरूर पढ़ें बोलें। उसके बाद आपने इस पीपल के पत्ते को कलावा मूली की सहायता से लपेट लेना है और फिर इसे अपने पर्स में रख लेना है। हर हफ्ते आप हर शनिवार को इस तरह से अगर पीपल के पत्ते को रखते हैं और दूसरा जो पहले वाला पीपल का पत्ता है उसे ले जाकर पीपल की जड़ के पास रखाएं और एक नया पत्ता फिर से आप अपने पर्स में रख लें। इस तरह से आप 7 शनिवार करके देखिए, आर्थिक समस्या जो है वो सारी दूर हो जाएगी। दूसरा, इस दिन आप 21 दाने तिल के काला तिल ले लीजिए, काले तिल के आप 21 दाने गिन के ले लीजिए और आपको चाहिए 21 दाने ही काली मिर्च के, ये दोनों चीज लेनी है आपने और आपको चाहिए 9 लौंग फूलवानी होनी चाहिए। ये तीनों चीजें लेकर आपको संध्या के समय सूर्य अस्त के बाद जाना है किसी भी शनि मंदिर, शनि मंदिर जाएंगे और शनि मंदिर जा रहे हैं या पीपल के वृक्ष के पास, इस दिन जरूर से जरूर एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा अपनी मनोकामना इच्छा बोलते हुए। अब आपने ये तीनों चीजें ले ली हैं, काली तिल, काली मिर्च और लौंग, ये तीनों चीजें आपने काले रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है, उसके अंदर रख के भगवान शनि देव को अर्पण करना है। अर्पण कर अपनी मनोकामना, अपनी परेशानी, जो भी समस्या है वो आप बोले, अपनी इच्छा को प्रकट करें और बोलकर इसे अर्पण कर दें और फिर बाद में आप इसे उठा लें, उठा के घर ले आए और उस कपड़े के अंदर ही इसकी पोटली बना लें और अपने मुख्य दरवाजे पे टांग दें। इस तरह से ये उपाय करने से शनिवार के दिन आपके जीवन की किसी भी प्रकार की जो भी समस्याएं चल रही हैं वो दूर होती है। अगर नेगेटिविटी शरीर में या आपके घर में है तो वो भी सारी दूर हो जाती है। छोटा सा उपाय शनिवार के दिन अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।